आज सुमिरन करके जगदम्बा को और ले बजरंग बलिया को नाम सुमिरे मैया फादिलपुर की उसर लईती समाधि लगाई और सुमिरन करके गायत्री को सीता सावित्री को शरणाए पूज्य गुरु आधार चेतन के पद कमलन में ध्यान लगाई और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दी जोर पार लगायो बजरंगी हर के संगी जंगी गदा हाथ हर बारी और सुमे शीतला में नपुरी की नदियाई सन के मैदानी कह कह और उत्तर ओरी जब मैं नपुरी के सुंदर भवन लौरी बनवाई खैया पेड़ तो पालो कहियर पेड़ बरग धा प्यारी और माह महीना तीर पूनो को मेला भारी ले तलगाई और भोला सुमिरत झारखंड के बैठे पूरा बलिया में जाए राठौर के सीट की नैया को भोला खेई लगाइयो पारी के आवेगी राठौर मेरी और लड़ेगी तुरगे आवेगी राठौर मेरी और लड़ेगी माला फूलन की राठौर त्यारे गले पड़ेगी माला आज छोटे बड़े भात बहना सब बैठे थे मैं फेल मेरे हर साए राठौर के सीट के माध्यम से अब उदल को कर रे विवाह बैठे रहियो मित्र में फिल्म में लीला आंगू की दिए सुनाए कृपा दृष्टि जो रही थी सुर की कैसेट में तहलका दिए रे मचाई आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से
आल्हा में एक नवीन प्रोग्राम उदल का विवाह, किस तरह से ये मोहरमगढ़ में संग्राम हुआ जिसमें जिंदगी और मौत का दाव लगाकर महोबे वाले जवानों ने किस तरह से नरवर के सम्राट, ध्यान रखना लोगों, इस मोहरमगढ़ का दूसरा नाम नरवर भी है, इस नरवरगढ़ के संग्राम में किस तरह से महोबे वालों ने मकरंद और मोतीमल को नीचा दिखाया और किस तरह से अपनी जीत करके फुलबा की डोली महोबे मिलाए, लीजिए। आज 12 बरस के आंगल हुई गए, आज 12 बरस के उदल हुई गए, 16 के भय थे वीर मलखान, भय थे 18 के नुनियाला, जिनकी जग जाहिर किरपान, लगी थी 12वीं जब उदल की, तो मान होते हन से निशाने, टंगिया खोपड़िया थी बरगद पे सो बबुला की लई थी उतारी, और जा कोलू में दशराज पेरे, जम्मे को सब घर दो पेरवाए, ईट ईट माड़ो की खोदी पक्को ताल दो तो बनवाए, समर पार कढ़ जाए, और से तब बंध जरना में सरलो बाजी पीता पबेंदुला क्यारी, और छोटो पूत याद देवे को बहुत सपुरवा मेरे तैयारी, कह कहे जब बेंदुला को सजवाए के उरही में खेलन चलो सितारे, और पांचों कपड़ा न को पहनो है, पांचों बांध लए ते हथियारे, और चटके घोड़ा ददके घोड़ा, घोड़ा ददकी ददकी रह जाई, और रही वाली अब डांगन में खेलत जा तो बना भर लाल, और दुनिया जानती है माहिल को जो परिहार कुटैया टारी, और बाज बेंदुला को देखो है और उदल को लो निहारी, और राम जोहार भैया पुष में जो कछु राजन के व्यवहार, बहिया गह के अब उदल की बोले उरही के सरदार, धीरे धीरे माहिल बोले बेटा सुनो बना फरलाल, और कैसे आए हो उरही में ओ, लोहरे देव कुंवर के लाल, हंस के उदल बोलन लागे मामा पैया परे तुम्हारे, लगी आसरो तो महुबे में क्यों रही मैं खेल शिकार,
बोलन लागे मामा सुन ले अर्ज हमारी कित से अनुभव तुम्हारो डोकर उरही के परिहार हंस के माहिल बोलन लागे सुनियो देव कुंवर के लाल हम लौटे हैं गढ़ मोहरम से जहाँ पे मोतीमल सरदार और एक बात तुमको बतलावे ओ बतलावे लोहरे देव कुंवर के लाल सुता कुआरी मोती मल की फूल बाबा को नाम कहाए पांच फूल की तुलने वाली जाको रूप दो करतार तेरी सूरत और फुलवा की मनोत सांच बिगड़ी सुनार लाए बिहार और तुम ही कुआरे गढ़ महुवे में का पड़ गई थी अकल बेगारी और ढिले बैल से तुम डोलत और राठौर ठौरू कहां से आए करो तैयारी अब चलवे की मोहरम बांध चलो तलवार खून के कतरे लेकर उदल बोला मामा शायद तुमने जो शब्द कहे हैं अपनी जबान पर कंट्रोल करो और सुगर लड़की नहीं जा घर देख घर धरे पर ना जा और बिना लगन और बिना टीका के चढ़ के साथ ले तो डरवाए और बाग बेंदुला की मुरकाई लई महुवे की सीध लगाए पहुंचो देव कुंवर को लाल कह कह और भोजा पकड़ के चंदे लेने तब आसन पे लो बैठा भैया राम शरण राठौर आज जा ब्याह को ठिन गए हैं भैया राम शरण राठौर आज शादी को ठिन गए हैं शादी को ठिन गो हैं उदल शादी को ठिन गो हैं भैया राम शरण राठौर आज शादी को ठिन गो हैं इधर जैसे ही उदल परमाल की सभा में पहुंचा है महोबे के सम्राट परमाल ने इसे उचित आसन पर बिठा लिया पूछने लगे उदल आज ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं जवाब दिया कुछ नहीं राजन कभी कभी बुद्धि में बहुत दृष्टन तो आ ही जाता है नहीं सच बोलो उदल कहने लगा कुछ बात हो तो बताऊं कुछ बात ही नहीं एकदम बात को बदलते हुए महोबे के सम्राट परमाल कहने लगे उदल मैंने तुम्हारे लिए काम की तलाश की है क्या तुम कर सकते हो उदल कहने लगा आप फरमाइए तो राजा परमाल क्या कहने लगे
आज भुजा पकड़ दिबला बाले की। और बोलन लगते राजा परमाल, हंस के उदल सो बोलत है, लोहरे देश राज कर लाल। और काबुल जाओ खरीदन घोड़ा, संगम ज्वान ले सजबाए, कट्टर घोड़न को ले आइयो, रन में दे तकरारी मारे। और उदल हंस के बोलन लागे, चाचा पैया परे तुम्हार, हमें चलन में उजर नहीं है, बैठे थे मंडली कयो तार, जेठो भैया बाप बरोबर, जो मोई आज्ञा दे करवाए, हम जावेंगे बाका बुल को, और न घोड़न लावे खरीद, हंस के आला बोलन लागे। करके निज भैया की बोले ते मंडली कयो तार, नाई रावण हुई तुम जन्मे, नाही परशुराम अवतार, मोती धार दूध की बेरई, लोहरे लागत बंधु हमार, काबुल जाओ खरीदन घोड़ा, बेशक परे विपत्ति को जाल। बोले परमाल भूप से, और राजा महुवे के सरदार, भारम जाबे जा जो चाकरी, हम उदल को ना भेजबाए, तब रोए के बोले हैं परमाले। और हिलकी बंद गई परमाल की, और जल कोर कोर हुई जाए, हम तक आसरो ते महुवे में समरथ देश राज के लाले। पर मने तुम्हारे में जैसी आयावे, तैसी करो दे सिंह लाले। तोलो माहिल रही वाले, आए गए महुबे के दरबारे, और माहिल आबत खन बंगला में, तबला ठुकत बंद हुई जाए, और मालूम पड़ती आज जियाराम है, बज है काउगढ़ पे तलवारे। सुनी बता कही जब माहिल ने, परमाले ते कही सुनाए, और मन के बढ़िया करे बना, पर राजा महुबे के सरदारी। मैं क्या ताकत की मंडली ककी, जो कोई देते जवाब सुनाए, के दुल्हारन के मालिक कर दे देश राज के लारी। ओ घोड़ा छीन ले बना फरन के, राजा महुबे के सरदार, और देशन कारो दे वाला को, राजा पन्या पर तुम्हारे, रोए रोए के माहिल बोले, और दिल की सब दई सुनाए, और माहिल सोचत है मन अपने, कब मिट जाए बना फरलाल।
अब बहिया जो कह के दादारे माहिल की और बाऊ दल ने कह दई सुना अरे हम जाबेंगे कगढ़ काबुल को मनसा पूरण जाकर हे तुम्हार तुम्हें है कंगेरी पर माले जान न मंडरे ली कयो थार अरे भेद छिपाए के हम दादा से हुई रहे काबुल को राम तैयार सोले खिचर के भरी रे असर थी उदल को के दइए गहाय काबुल जइयो के बाज लेबे को लोहरे देसर राज के लाल ढेबा बहादुर को संग में कर दो जवान पांच सौ दे है सजाए डंका बज गो के आधी रेन पे चल दो दसरे राज को लाल मेरे नौजवान साथियों इधर तो उदल अपने अस को लेकर 500 जवानों को साथ में सजाकर ढेबा को साथ में लिया है और काबुल के लिए प्रस्थान किया मगर ध्यान रखना अस को आगे बढ़ाते हुए ये काबुल की तरफ चले हैं मगर रास्ते में इनका विचार बदल गया। उदल ने ढेबा की बांह पकड़ी और जवाब दिया दोस्त हम तुमसे अपने दिल की एक बात कहें। ढेबा कहने लगा अच्छा कहो क्या कहना चाहते हो। तो उदल कहने लगा सुनो भैया आज हंस के उदल बोलन लागे ढेबा सुन ले अर्ज हमारे और मुहर्रम गढ़ के मैदानन को फेरो बाग बेंदुला क्यार सुनी है बिटिया मोती मल की मैंने सुनी बड़ी सुकुमार चल के देखे फूल मती को कैसी सुगर पद्मिनी नार हम मारे पेट कटार लौट महोबे को ना जाए हैं दादा साची दही बताए और ऐसी बानी दुख की सानी धटका लगो कलेजा जाए घोड़ा फेर दे गढ़ मोहर्रम को चल दे महुबे के सरदार मोती मल के फूल बाग में पहुँचो देव कुमार को लाल हाटिक बंदल खो राजा को दरवाजे पे कही सुनाए रखवाली पे है कोई माली खोलो फूल बाग को द्वार सुन के परदेसी कियो बात सुन के परदेसी की मालिन गई थी बाग ते आए बढ़िया घोड़ा ते सही सवारी बैठे आज बाग में जाए हंस के मालिन बोलन लागी ओ परदेसी गिरन हमार
पाग जनाना नहीं मर्दाना फेरो अस जो आज पिछार मती की बिटिया मोती मल सुकुमार घूमन आबे फूल बाग में सब सखियन को संग लवाए तब सोचे उदल मन अपने में जा तो बन गो काम हमार हम डट जाबे फूल बाग में और फुलवा को लेवे निहार उदल ने और मालिन को दई गहाए राम शरण दी हो सम रही हो पैसा कर तू सरग में राग मालिन सोचे मन अपने में हम सो धनी और कोई ना है और फाटक खोल दो बगिया को अंदर गए बना फर लाल बना फर लाल तेरे पांच असर फी दई देवान तू जा बागन से तत्काल और दाना घास लाब घोड़न को हम बगिया में डटे अंगार और मालिन जानी मन अपने में हो तो गैया गजब की वाली चिरैया नारायण ने आज बगिया में दैति पठाए पंद्रह दिन बगिया में रुक गए मौसम धनियों रुकोई ना है मालिन कहने लगी परदेसी मैं बाजार को तो चली जाऊंगी मगर एक बात है क्या जो मोतीमल की लड़की फुलवा है वो नित्य पांच फूल से तुलती है और उसकी गर्दन में हमें हार डालने के लिए फूलों का हार भी बनाना है और जब तक मैं बाजार से लौट कर आऊंगी देर हो जाएगी उदल कहने लगा तो सुनो तुम जाबो सामान खरीदन हम बाहर को करे तैयार और मालिन चली गई थी बगिया से अब उदल के सुनो हवाले सवा लाख की जो कलंगी थी सो घोड़ा की लई चिंतारे और दो दो हीरा दो दो नगर बिच बिच फूल के तभी क्या रे हत्य हती तो लड़ी आए नने गुहो पचल रहा और उठी छबरिया जो फूल नकीता में हार धरो दुवकाई और मालिन लौटी आई बगिया में जाको पल पल होती अवारे और हार न देखो बा मालिन ने भज के गई थी महल में आई होनी है बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है भैया होनी है बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है आज मालिन चल दई फूल बाग से लई महलन की सीध लगाए
और चटक चुनरिया लटकत आवे धोतिया दबत पाई से जाए और विपतिया बरिया सब पे पर गई राठौर सबे सताई दो जाए और विपदा पर गई शिव शंकर पे जब भस्मा सुर परूप छारी सोई भाबई आज दुखिया को और महलन में परी तुराए और सोबे बिटिया मोती मलकी फुलबा अपने पैर पसारे और खींच दुसाला दो मालिन ने और फुलबा को लो जगाए और हार जो लेके उदल बालो फुलबा के दो तो गले में डारे और एक पला में फुलबा बिटिया एक में फूल के तकी क्यारे और पांच फूल की तुलने वाली ता पे चढ़ता ढरैया न जाए और उठो न पलड़ा जब फुलबा को मालिन गई थी सना को खाए के फुलबा बोलन लागी चोदी दिए तेरी खाल उड़ाए और तोलो नजर हार पे पड़ गई फुलबा कर मल मल पछताए के न कबू लगाओ मकरंदी के घर में धरो खजानो जाए भैया सो मालिन सुन ले अरज हमारे और दुई दु रुपया की नो कर दी कहते धरी सर पी लाए लाख रुपया की संपत्ति है मालिन दई गले में डार जाए बात बनाए के मालिन बोली बहना पैया पर तुम्हारी और बहनी की जियाई मेरे घर आई ब्याही खास महोबे गाम और नाम सुन तखन गढ़ महोबे को फुलबा फूली ना समाई लगाए फुलबा बैठी यही कबे उदय सिंह लाल और बीसों बिसे बरे उदल को ना मेरो जन्म कुआर जाए और नाम सुनत खन गण महुबे को तब फुलबा ने ही सुनाए गई और कैसी बहनों तिन तेरी है मेरे अंगना में लाओ लिवाई और कैसे बाप की बाप बिटिया है लाखों की संपत्ति दई गहाई अब मालिन बोलती है फुलबा से बहना सांची दी बताई होबे में कोई नानी ना कोई दाव बिरानो खाए और दुई दुई हाथी दस दस घोड़ा सब रैयत के बंधे द्वार पारस पूजा पवन बछेरा घर घर बसत प्रजा परिमार सोई बहिया कहलई तब मालिन की बहना पैया पर तुम्हारे
और जल्दी लइए मेरे आंगन में हम देखे निगाह पसारे। और मालिन लोटी सत खंडा सहली लिया लार पेट न जाए और होती बहनों तिन ले आती जुआ मनसु कहां पहुंचाए। और डटो कन्हैया दिवला वालो बाई बगिया के मैदान में और मालिन पहुंची फूल बाग में ठाड़ तगिरी तमारो खाए। तब बहिया गैलई रन बंकानी और मालिन ते कही सुनाई और कितरी नाम दई फुलवाने मालिन साची दिए बताए गई। तब रोई के मालिन बोलन लागी परदेसी सुनो अर्ज हमारे और धन के लालच में परदेसी मुफत में लई जाने अब डारे। हम कॉल करिए अब फुलवा से के बहनों तिन घर हमारे और होती बिटिया बहले जाती किन आंगन में दे दिखाई। इतना ध्यान रखना नौजवानों, अभी तक मालिन को ये पता नहीं कि ये उदल महोबे का रहने वाला है। मालिन अभी तक यही समझ पाई थी कोई परदेसी है और दौलत के लालच में मालिन ने उसे अपने बाग में टिका लिया था। उदल क्या बोला, तो तुम फुलबा से ये वादा करके आई हूँ कि हम बहनों तुमको आंगन में लाएंगे। मालिन बोली हाँ। उदल कहने लगा सुनो और जो सामान हो तो तिरियन के सब ले आओ अरे सिंगार। हम अपन बहनों तिन जाए महलन में मालिन सुन ले अर्ज हमारी। उदल बने मनु सते नारी भैया ओ मेरे राठौर प्रीत की रीत निराली है। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही उदल ने यह जवाब दिया है मालिन उसी वक्त बाग से चली और जो औरतों का श्रृंगार करने के लिए जितना सामान था सब लाकर उसने बाग में रख दिया। अब उदल कहने लगे मालिन ऐसो करे हमें पहना और देना, हम ना की चीज पहन पहन डोले, हम ना कब औरत बने। तो मालिन उदल को बिठा लेती है और ये श्रृंगार करने लगा औरतों का। आज चंदा सो मुखार बिंद सोवा तो कही ना जाए। देखने में नौजवान सुंदर भी था। चंदा सो मुखार बिंद सोवा तो कही ना जाए और मृग जैसे नैना देखी खन्यनाऊ सर माए। और काले काले के सजा के नागिनिया से लहराए और कोठन भी चमालिन ने लाली ज्यादा ही लगाए और माथे पे जब राम शरण के बिंदिया दीनी लगवाए। कालो कालो काजर राठौर आखिन में जब लगवाए और ना कछ दिन उदय सिंह की वैसे नथुनिया लई लगाए
और बाहे परा बाजू बन सोवे गले में हार दौर रकाई आखिर लड़का है राजन कोता पहलू पुदो करतारी और बन के जनान उठालो हुई लोहरो दे बकुंवर को लाली तब हंस के बोलो ऐ ढेवा से भैया पैया पर तुहारी ये उरही वाले कैसे बने मनुष्य ते नारी और आंखें दबाई बाई उदल ढेबा गिरो तमारो खाई जैसे ही उदल का ये नाटक देखा है आंखों में खून के कतरे लेकर ढेबा बोला अरे नादान छिदाई बने लुगाई जाही नरवर केर मैदान का पाह बखोरन में कम हुई गौ का बल खाई गई तलवारी और छिदी नाक मलखे जब देखे उदल दे बेजान सो मारी और सात साखी को बट्टा लगियो लजियो कुटम हो बेचारी नरवर में ना कछदाई और मारे कोड़न खा लौड़ा वे नामी सिरसा को मलखानी और बात सुन के तब ढेवा की लीली लार पेट ना जाए और हो सबंद भय अब राठौर के अब जूठौर कहां ते आए और जो ढेबा महुबे में कहे मलखे दिए जान सोमार और लय कटारी तब उदल ने और ढेबा ते कही सुनाए और राम राम मेरे मलखे जी सो दादस कहियो आज समारे और हम तो मरते आज नरवर में मटिया गढ़ महुबे में जाए और भोजा पकड़ लई तब उदल की मर ना जाओ लोहरवा भाई और मने तुम्हारे जैसी आवे तैसी कराऊं दे सिंगलाले और सोले खिचर भरी ये सरपी सब मोहरम में रहे लुटाए और पूछे राजा जब परिमाले तब का दियो जवाब सुनाए देवा बोला सुस्त क्यों हो गए उदल कम से कम ये बताओ कि जब परमाल तुम्हें ये पूछेंगे कि घोड़ा भी खरीद कर नहीं लाए दौलत कहां गई बोलो 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 देवा क्यों रोवे मेरे कर्म लिखी सोई होएगी भैया क्यों रोवे मेरे कर्म लिखी सोई होएगी अभिलाखों का सोचो इनके कर्म लिखी सोई होएगी भैया का सोचो मेरे कर्म लिखी सोई होएगी मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही
उदल को जनानो बनाकर मालिन फुलबा के आंगन के लिए लेकर चली है। उदल कहने लगा, हम ऐसे कतई न जाएं, पैदल जाने से कम मेरी इज्जत का सवाल है, और उस पर भी तूने हमें स्त्री बना लिया, तो अब हम बैठ के जाएं तो डोली में बैठ के जाएं। और मालिन की घर जाती सो डोली लेके आई, और लला अब डोली में बैठ गई बहू बन के। आज चटक चुनरिया पीली घंगरिया बैठो देव कुंवर को लाली, लैया कटारी बूंदी वाली सो फेटा में धरी समारे, और महल बिरानो मोती मल को कवघट हुई जाए संग हमारी। उदल बैठ गो पीन समय जामे लाग प्या थकहारी, और कछु दूर लो पलकी आई धीमर गए पसीना डार, और गिरे फसू कर जब मोहू पर तब मालिन तह गई सुनाए, और बहुत कतरियां हमने देखी जूहद मन सुदौ तो बैठारी। मालिक कहने लगी, लगा तुम ना जानते जाकि शादी महोबे में भैया ना घर घर दौलत के कोई खजाने को ठिकानो नहीं, सुधा ने अच्छो अच्छो भोजन खाओता सो मोटी हो गई, मोटो रहने का सदेरो को ठिला जैसो। पहुंची लोहरवा भाई कही, मकरन बेटा मोती मल को टहल तो फाटक पे सरदारी, लौट उभार दो पलकी को मकरन चिताओ तो नजर पसारी, खिदा बिदाई थी उदल ने मकरन गिरो तमारो खाई, और बहिया गहरिया मालिन की तब मकरन ने कही सुनाए गए, और दिल चाहे सो कीमत ले ले जा गोरी से दिए मिलाई। सिके मकरन बोलन लागे गोरी धन सुन ले यार जहमार, और लौटत डोली मेरे आंगन में मालिनी मोको दिए मिलाए। तब हंस के हिरिया बोलन लागी सुन राजन के राजकुमार, बहनी की जियाई मेरे घर आई राजन सुन ले यार जहमार, हम कर शिकायत तेरे बबुला से बदन की देवी खा लौड़ाए। हो बेलो न बचे कौआ मरे हाल ले जाए, हम देख मेहरियन को मोए ही पर घर बने बिरानी नारी, और प्रीत की रीति अरे जनराली राठौर ठौर मिलन को नाही। उतर परो अट्टा पे चहुलंग देखत नजर पसारी, और जो पहचान ले मोए
हो नहार सो होई के रही है हम फुलवा को ले विनहारी। और ठालो देखो बहनो दिन को तब खुलवाने कही सुनाए देखो गोरी रतन पलंग पे काए को घूंघट रही मरोरी। दोरी फुलवा बैठी उदल दिल में करे विचार शायद ब्याह हो नरवर में तो मोए दे ताइनो मार। बन के जनानी मेरे अट्टा पे बैठे हते पिया भरतार। आखिर पैदा छत्री वंश में नामी वंश बना भर लाल पाए छोड़ के उदल राना बैठो सिरहाने बेजाए। आंखों में खून के कतरे लेकर फुलवा बोलिए नालायक ये तुम्हारी क्या बदतमीजी है। एक मालिन की लड़की होकर तुम सिरहाने बैठी। लेकिन हिरिया कहने लगी मालिन बहना मेरी बात सुन ले। रे राजन में बैठी रही पलंग पे जाए। फुलवा सोच रही दिल अपने के कहूं होई लोहरवा भाई। और बन की जनान मेरे घर आओ मालूम पड़तौ दे सिंगलाली। बहुत देर अट्टा पे हुई गई तब उदल ने कही सुनाए और जल्दी लौटो फूलबाग को मालिन सुन ले अर्ज हमारे। और तब फुलबा बोलन लागी बहना पन्या पर तुम्हारी। और आज ब्रह्म जा मेरी अटिया पे भोर लौट बाग को जाओ पूछे हकीकत गड़ महुबे की मालिन हमको दिए बताए। फुलवा बोली हीरिया मालिन से बहना तू तो बगिया को लौट के जा जैसी तेरी बहन होते ने तैसी मेरी बहन होते। आज रात मेरे अट्टा में छोड़ दे और सवेरे हम जाए बाग को भेज दिए। पूरी रात हम जासो कुछ बातचीत तो कर लिए महुबे को हाल भी पूछ लिए। अरे राजा की बात अब जवाब कैसे दे मालिन। मालिन लौट के तो चली। और पेट में सोता मालिन लेके लौटी फूल बाग में जाए। इत फुलवा बोलती है उदल से बहनों तिन सुन अर्ज हमारे। बोलो बोलो क्या पूछना चाहती हो। तो फुलवा को कुछ शंका हो गई रामशरण जी। क्या बोली फुलवा। ये चढ़ा उतारू दोनों मुरवा कमर चीते कियो नहार। और चोड़ी छाती से रज कैसी आंखें मुर्गा की नहार। घेट चमक रही हाथन में पंजा दहे रही तलवार। और तू ना नारी है बिबिचारी काऊ राजन को राजकुमारी। और चातुर लड़का देवे बालो लई ओठन पे बात बनाए। फुलवा रानी परम सियानी बहना सुन ले अर्ज हमारे। और मेरे पीहर हती गरीबी बागड़ कनबज के मैदान मिन भेसे घेरी ती झावर में तासों गलो गाँव भर राय। और पुरहा कटके गही पनेठी तासों पंजा गाँव अपल्या।
परमाले सरदार और बागन नौ लखा ब्रह्मानंद को ऊंचे पर्वत पे एहराए। मैं करी सिंचाई फूल बाग में तासो मुरबा गए मोटा है। उदल सोचने लगा भगवान बचावे तो ही बचे आज मामलो खोलो जात। तो सोचने लगा भगवान मेरी बिगड़ी आए बना जाइए बाटे सोर वाले भोला मेरी मेरी बिगड़ी आए बना जाइए बाटे सोर वाले भोला मेरी। जब फुलबा ने उदल की इन बातों को सुना तो ध्यान रखना अभी तक फुलबा को ये पता नहीं कि ये मर्द है या औरत। तो औरत समझ के फुलबा उदल से क्या बोली, बहना एक बात बता। क्या? आज फुलबा कहती सुना मेरी सजनी साचो कहो कन बज को हाल के लड़का है तिलकाजू के उनकी कहां कहां ससुराले। उदल बोले तब फुलबा से लाखन एक अकेले अलाल लाखन ब्याहे गड़ का गोरे में राजा काम साई के द्वार। और के लड़का है सुरजावती के बुझन लगी थी फुलंदे नारी। उदल कहे सुनो सुरजा के भैया दुए मलिके सुलखान। और मलिके ब्याहे ते कोटक सौदी राजा गज राजा घर जाए मोतिन तुलिया नारी गज मोतिन सोमल खानन लई थी विवाह। सोलह खाना सिंह ढाका में ब्याहे जिनके ससुर जवाहर लाल जा घर घर तिरिया जादूगरनी घर घर परत इंद्र को जाले। और फुलबा बोले तब उदल से मालिन सुन ले अर्ज हमार कह। और के लड़का है दिबला बत के उनकी कहां कहां ससुराल सोई। हंस के उदल बोलन लागे फुलबा सुन ले अर्ज हमार। दो लड़का है रानी देवे के ओ
काहे रानी देवे के आला उदल राजकुमार आला ब्याहे नैनागढ़ में राजा हंस राज के द्वार फूलन तुली नार मछलावती ब्याही मंडली के अवतार और अभे कुआरे उदल ठाकुर घूमत गलियन के मैदान और कहते दुलारी मोती मलकी मालिन सुन ले अर्ज हमारी और काए को कुआरे उदल घूमे बहना साची दिए बताए बहस के उदल बोलन लागे फुलबा सुन ले अर्ज हमार सुंदर बिटिया नाय लख पाई तासो कुआरे बना फर लाल जो तो सी फुलबा कौन लख लेबे जबरन लेबे भमरिया डार फुलबा बोले तब उदल से बहना पैया में पढ़ू तुम्हार हम नौ दिन व्रत रहिया दुर्गा को कैबर मिले उदय सिंह लाल तेरो के सुनाते मैं लागत है लोहरो देव कुमार को लाल कही दी जोरे उदल से फुलबा बैठी मसो सामार काए कुकुआरे महुबे में डोलो बासैली जो भमरिया डारी उदल बोले तब फुलवा से ओ बोले तब फुलबा से नाते को देवर लगे हमारे और जो तुम कही कहे हम सोई और दुई अगरी देवे लगाए जाते ही तो खदे उदल को नरवर बांध आवे तलवार बिना लगुन और बिन टीका के चढ़ के साथ ले दरबार अभी तक काम सरल दिए पता नहीं कि उदल तो जाइए फुलबा पूछने लगे अच्छा एक बात और बताओ क्या कैसी सूरत को उदल है ओ कैसी सूरत को उदल है बहना साची दिए बताए तब हंस के उदल बोलन लागे फुलबा सुन ले अर्ज हमार मेरी ये सूरत मेरी ये मूरत लोहरो देव कुमार को लाल तुम जा जनियो मन अपने में बैठी पास उदय सिंह लाल ध्यान रखना बात पूरी कह दी मगर फुलबा को यही पता नहीं कि नाटक क्या है बात बदल के फुलबा बोली बहनों तीन ते कही ती सुनाए कह चौसर खिल जाए अजो अट्टा पे देखे को जीते अजो हाले और हम जीते तो जान न दिए हारे चले संग तुम्हारे और मिले महोबे में जब उदल बासों दी जो भमरिया डारे चौसर
बिछ गई सत खंडा पे बैठो देव कुमार को लाल और काने तीन परे फुलवा के उदल दीनी पिसार उठाए और मनिया सो मेरे महोबे बालो लीलक देव कली नर क्यार कै पासे फेंके बे उदल ने बारे आज गिरे लहराए झपट कलाई लई फुलवा की उदल कहन लगो हर साहेब और जल्दी चलियो गढ़ महुवे में देवर की जब नवनारी और होश बिगड़ गए तब फुलवा के लीली लार पेट ना जाए और लई अभिजनिया मोर पंख की और बहनो तिन कई सुनाए और लेटो बहना रतन पलंग पे भोरे चले महोवे गाम और उदल सोवे रतन पलंग पे फुलवाए चकर कर बियार और उदल सोवे रतन पलंग पे फुलवाए चकर कर बियार चले पछैया और पुरवैया थम थम चले बमोरा व्यार और उड़ो घाघरो जब उदल को बहन जांगिया लखो अंगार और हाथ फेंक दो जब फुलबाने खाली गहने लई निकार और साथी जान लई फुलबाने जू देवे को राजकुमार और रस्सा लेके आज फुलबाने बांधो दस राज को लाल और हाथ कटारी फुलबा लेके लंबी जबर दई ललकार और भजन बचियो गढ़ महुवे में यो देवे के राजकुमार और उदल जानी मन अपने में हुई तो गई गजब की बात हम जाए बाड़े ते महुवे के मटिया परी विदेश न आए और बदन कसो पलिंगा पे देखो उदल गौ सना को खाए और तमको उदल जब पलिंगा पे रस्सा ठूक ठूक उड़ जाए और दई ललकार आज फुलबा को बिटिया सोनो बघेले राय तुम बुलबा लो मकरंदी को कैसो नाहर विरन तुम्हारी मेरो नाए बैंदुला बूढ़ो पर गौ नाए बलुखाई गई तलवारी हम मारे दे तेरे भैया को जावे लासम होवे प्यारी और मरे की सुन के आला मल के मुहरम बांध आवे तलवारी और खुद हवेली खाइन कर दी पक्को ताल दिए बनवारी हसके फुलबा बोलन लागी परम सने पिया हमारी मिन करी मस करी ती अट्टा पे ओ देवे के राजकुमारी औरी बहनारी फुलबा अपनी बांदी से बोली औरी बहनारी आज रसीलो घर में आए गए हैं जाते होले होले बतरायोरी सुन गुइया आज छबीलो घर में आए गौ है जस होले होले लिए बतरायोरी मेरी बहना आप मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही फुलवानी उदल को पहचाना है तो उदल के गले में बहिया डाल के फुलवा बोली पिया मेरी एक बात सुन ले आज फुलबा रानी परम सियानी गले में बहिया दईती डारी
और हिलकिया भरी भरी रोवन लागी मोती मलती राजकुमारी। मेरी क्यों सुध बिसराई प्रीतम निकम्मो को साची दियो बताए। हम रस्सा डाल दे अट्टा से और भज चलो भुरारी रात। और भारी भैया है मकरंदी लड़के जीतो न पिया हमारे। और गड़ महुबे की जाए गलियन में प्रीतम लियो भमरिया डारी। बैठो पद्मिनिया नार कै मेरे बाह बखोरन ना घुन लागो ना बल खाई गई थी तलवारी। और जब तक कंधे पैरे सिर रही है बजे है मोहरम पैर तलवार। लाल भराई तिले दुलियाली है पद्मिनी नारी। आंखों में आंसू लेकर फुलवा बोली किया हमें तुम्हारी बातों को विश्वास ना है। दुदल बोले क्यों तो जवाब दो सुनो। हम मण हो जन्मी जम्मे घर में बेजमा पड़ो तो नाम हमारे। और जुगिया बन के उदल पहुंचे बाई अम्माण हो के मैदान। मैंने भेद बताई दो माणो को सबरो कुरमा दो मरवाए। और तो आस भैया ना है पूरी मड़े ते डारो तो हमको मारे। और वीर मल्हारो सिर सावालो मारो हतो मरद मलखाने। जब हम मरन लगी ती मड़े ते तो तुम रोए ते आंसू डारे। हम बोली थी तब उदल से परम सनेई पिया हमारी। और रोए ते प्रीतम कछु नाए मिलिए हिम्मत बांधो सासु के लाल। मैं जन्मू जाए के गड़ मोहरम में फुलवा बजी है नाम हमारे। तुम काबुल जाओ खरीदन घोड़ा बीच में हुई है भेंट हमारे। आस लगाए हम बैठी थी सो दिन गौ तो मूढ़ पे आए। अब देर करन को मौका नहीं महुबे को जलद हो तैयारी। गंगा खाई तब उदल ने बाई नरवर के मैदान। एक महीना की मोहलत दे दो बाद मिलिए भमरिया डारी। इन्हीं बात न के रार समय रवि ने दई ती किरण पसार कई। और उदल उठ गए अट्टा पैसे तोलो मालिन गई भेराई। पहुंचे फूल बाग में तब ढेवा ते कही सुनाई कै। और करो तैयारी अब चल बे की वो उरही के सरदार। सोले खच्चर भरी सर की शमोहरम में दई गमाए। तब उदल से ओ
कुमार और पूछे हिसाब जब राजा परमाले तब का दियो जवाब सुनाई सोई। उधर बोले तब ढेवा से दादा पन्या परे कुम्हार बन बीमार पड़े पीनस में तो ले चलो महोबे गाम सोले खच्चर माफ करावे सोले और ले भरवाए। तब हम बोले मंडली से दादा पन्या परे तुम्हार नौजवान साथियों। उदल बीमार बनकर पीनस में लेट गया। जिस वक्त ढेबा उदल को लेकर महोबे में आया है घर घर में ये खबर फैल गई। काबुल गए खरीदन घोड़ा भय बीमार उदय सिंह लाल और दशा देख के रन बंका की देवे ने छोड़ दई डिडकार। मेरे बिगर बुढ़ापो गौ दुनिया में बेड़ा कौन लगा व्यापार और आल्हा आई गए ड्यूढ़न में रोबत देव कुंवर के लाली। और खबर हो गई सब महुबे में क्या बीमार उदय सिंह लाल और रैयत रोबे पर माले की अब हम कौन दे सकूं जाए। और राजा पर माले मलहना बत पहुंची दस पुरवा में जाए और लौट उघार लखो उदल को मलना छोड़ दई डिडकार। और भुजा पकड़ के रोवन लागी अपनी छोड़ छोड़ डिडकार। ओ तेरी दमलो नगर महो वो आठ किला कली नर क्यार और तेरी दम पे उदल छैया बामन पूज दई तलवारी। और आल्हा गरज मन घन तरज बिजली तरज तरज रह जा। चर के बेटा मंडली कन म्यान से खेच लई तलवारी। और चर के बोलो परमाले से राजा महुबे के सरदार और नेक बदी उदल को हो गई हम ब्रह्मा को दिए मरवारी। सोई रोए के राजा बोलन लागे बेटा मंडली कयो तारी और कोखित जन्म लो देवे के पालो हतो मलहंदे नार और काकु प्यार हतो मोयू दल बेटा सुन ले अर्ज हमारे। तब ढेबा बोले परमाले से राजा सुनियो अर्ज हमारे। हम सोले खिचर भरिया सरपी सब बेदन को दई खबाए और नया राम भऊ दल को है बीमार लहरवा भाई। और तब परमाले बोलन लागे ढेबाऊ रही के सरदार हम सोले खिचर माफ कराई सोले और ले भरवाए। पर काऊ धब से बेटा उदल को ढेबा तुम लियो बचाए। और सुनी बत कई परमाले की पलगा भे मंद मंद मुसिकिया है और उदल सोचे मन अपने में कर दई मां फुरजा परमाल। इधर तो नौजवानों पूरे दस बुरमा में तहलका मचा है। इधर मंडलीक ने पत्र भेजकर सिरसा से मलखान को बुला लिया। जब मलखान की रानी गजमोतिन उदल के पास आई नवज को पकड़ो राम सरण नवज तनाटन बोले लेकिन उदल आंखें न खोले। रानी गजमोतिन ने क्या किया
नच दो हवन रे पद्मिनिया नारी। अरे आभा बोली ती जगदम्बा की काहे को सोबत में दौरी जगाए। रोए के रानी बा बोलन लागी मैया पैया मैं परूं तुम्हारे। काबुल गए ते खरीदन घोड़ा बहे बीमार रे उदय सिंह लाल। उदल मर जा मैं दसपुरबा में आला पेट रे फारे मर जाए। ताके गम में मेरो पिया मल्हारो अपने हनिये जा बजुर कचारे। कौन सी मरज है मेरे दिवरा को मैया सांची मोई दीजे बताए। तब हंस के शारदा बोलन लागी बिटिया सुन ले तू अरजऊ हमारी। काबुल गए ते खरीदन घोड़ा रुक गए नरवर के अरी मैदान। घोड़ी खरीदी नरबरगढ़ में राजा मोती मल के द्वार। नैन कटारी की अरी बीमारी लगी फुलवा के महल रे मझार। फुलबा प्यारी के देख नहीं तो मैं उदल डारी है ना करी छेदार। एक महीना कोई न को फायदा है के बसुलिए भमरिया जे डार। सो ढोंग जे करे रन बंका नाई बीमार जूदे सिंह लाल। नौजवानो इधर जैसे ही गजमोत निये सुना है एकदम लौट कर जब उदल के पास आई दोसाला को झटक दिया और आंखों में खून के कतरे लेकर बोलियो, उदल यू नकटोरो हमें तुम्हारा कतई पसंद ना है। तेरे बाह बखोरन में का घुन लग गयो काबल खाए रे गई तलवार। अरे फुलबा प्यारी के देख नहीं त दिवरा बन गए मर्द से तुम नारी। हम अब है बोला में के पिया अपने को कोड़न सोले बेखाल उखचाए। तब कप गई पिंडुरिया रन बंका की धधका लगो है करे दम जाए। सोई उठ किया बैठ गओ रे पलिंगा पे बाब जपैया में पर जाओ तुम्हार। मैंने वायदा करो फुलबा से मेरी मर जाद है तुम्हारे हाथ। के तो ब्याव हम करे फुलबा से के मर जावे कटारी रे मार। त
तब गजराज सुता हसी बोली देवरा सुनियो बना फरलाल। गजमोतिन कहने लगी अगर तुमने फुलवा को देखो तो सब खानदान को या परिवार को नखटोर कह के लिए दिखाओ। उदल कान लगे तो हम जानता थे कि सब लोग इतने परेशान हो जाएं। अब भाभी जो कुछ भी करो तुम कर सकती हो। इतमे रानी के गजमोतिन ने और मलखान को लौरे बुलवाए खास बंद त्यार अब बीमार है सैया पैया में पर जाओ तुम्हार। आज बचा ले तुम उदल को ओ सासुल के राजकुमार। मलखे बोले के गजमोतिन से मेरे प्राण रहे चाहे जाए। प्राण जो देखे के उदल बच जाए तो हम शीश को करे न्योछार। तब गजमोतिन बा बोलन लागी स्वामी सुन ले वो अर्ज हमार। राम में कछु घामो नाई उनको फेर रे देव व्यवहार। उनने बिहाव तुम्हारो कराओ तुम उदल को जो ले वो बिहार। करो बहानो हतोरे काबुल को फुलबा देखी ती महल मझार। एक महीना को वायदा करके भय बीमार रे उदय सिंगलाल। हामी भर दई के अलखे जी ने उदल उठो तो भरा रखा। दोनों भैया जा मिल के भेटे आंगन हंस रहे थे भुजारे पसार। जैसे ही मलखान सिंह ने उदल को इस बात के लिए तैयार किया है कि मैं गंगा की सौगंध खाकर कहता हूं अगर मैंने अपनी मां का दूध पिया है तो नरवर के मैदान में जाकर हम तेरी शादी फुलबा के साथ करेंगे, लेकिन पलंग से उठ। उसी वक्त उदल उठकर मलखान को साथ में लेकर ये राजा परमाल की सभा में गए हैं और खुले शब्दों में ये जवाब दिया है कि हमें उदल की शादी करने के लिए फौजों की जरूरत है और मोहरमगढ़ में मोतीमल के दरवाजे पर हमें युद्ध होने की भी शंका है, इसलिए फौजें तो ले चलना जरूरी है। राजा परमाल ने इनकार भी किया लेकिन मलखान ने नहीं माना। ये जब बारात लेकर चले हैं तो आला का लड़का इंदल बारात में चलने के लिए मचल गया। उदल ने कहा बेटा ये बात तो अनरीत की है, दुनिया वाले लोग हंसेंगे कि बाप को लड़का विवाहने के लिए जा रहा है। उसी वक्त आला ने जब देखा कि इंदल उदल की बात नहीं मानता है तो गाल में तमाचा दिया। तमाचा खाकर इंदल वहां से चल तो दिया लेकिन बोला आज रोए के इंदल बोलन लागे चाचा सुनो बना फरलाल। और मारे तमाचो दो महुबे में यो देवे के राजकुमार। हम मर्द सराये दो भैयन को याल उदल राजकुमार। बिना इंदल सी के मोहरम में जो तुम ले वो भमरिया डारी। जाद नया बे इंदल बेटा ताई दिन लियो भमरिया डारी।
और मधुर बचन उदल हस बोलो इंदल सुन ले अर्ज हमारी। और तुम्हें हसुआ को डर नहीं बेटा सुनो परे ना लाल गए। और दुनिया हसे आज शादी में के बाप को पुत्र बिहावन जाई। यारो ऐसे अब समझाए लाल की छे बगदाओ है। भैया ऐसे अब समझाए कुमर की छे लौटाओ है। मेरे नौजवान साथियों, बामनगढ़ के नरेशों को साथ में लेकर ये सभी महोबे वाले जवान मुहर्रम में पहुंचे हैं। रात्रि भर इन्होंने अपने शिविर में आराम किया और सुबह ही राजा परमाल के अधीन जो आला थे इन्होंने तंबू में वीरा डाल दिया और ये जवाब दिया जो सबसे पहले शादी की सूचना राजा मोतीमल को करेगा उसे मैं 5 गांव इनाम दूंगा। लेकिन हुआ क्या लोगों, आज 5 घरियां बीरा को हो गई बाकी अपान गए थे को मिला भारी राजा मोतीमल है जाकी अब विकट चलत तलवारी। और कोई कोई चल दे जंगल झाड़े कोई कोई चले ते कुठरिया नु जाए सुन सान बंगला में ज हो गई नहीं मसो तलक भन्नाई। और आल्हा गरजे जब दंगल में मन घन गरज गरज रह जाए जा बीरा पे पथरा पर गए अब का हम गहरे तलवार लाखन राना है मर्दाना दानादार कनौजी राय उठ के लाखन ठाड़े हुई गए तब सैयद ने कही थी सुनाए जे तो कम नाई अबारी के सुनियो कुंवर कनौजी राय लाखन बैठ गए ते तबुआ में सन बंगला में ज हो गई तब आल्हा ने कई थी सुनाए कहे रूपन बारी को तेरो है जो है नाई महोवे क्यारी। आला कहे सुना भाई रूपन तुम मोहरम को हो तैयार सोई रोए के नाई बोलन लागो आला मंडली गयो तारे। और जाले अपनी चूरा साकर जाले उधरिया ढाल तलवार और हम मर जावे बा मोहरम में घर घर नायन फिरे हमारे मेरे बारे भटकिए गड़ महुवे में कोई अवनी रुपया नाए। रूपन ते कही थी सुनाए मल मल मारिया ती महुवे में अब प्राणन को करत बचाओ सोई ढेबा बहिया गई आला की बोलो मंडली कयो तार हाथ छोड़ियो जो ने गिन पे इज्जत घटे बना फरलाली। हमें अब महुवे में दिए रे पो
पहुँचाए। सोई रूपन बोले तब ढेबा के हम चलबे को तैयारी। और घोड़ा पे दुला उदल बालो उदल बाली ढाल तलवार। और जल्दी दे दो हमको आला हम मोहरम को हो तैयार। और ढेवा रूपन दोनों चल दे पहुँचे मोती मल के द्वार। और मोती मल की आज बैठक में तबला ठुमक ठुमक रह जाए। और हाथ उठाओ जब ढेवा ने तबला ठुकत बंद हो जाए। और चढ़े बाज पे देखो जवानन भड़ुआ भज गए फाड़ कनाक। और भर भर भजी पतुरिया मर दो सुनियो अरज हमारे। खून के कतरे लेकर राजा मोतीमल बोला नालायक को तुम्हारी इतनी औकात। बोलो कहां से आए तुम। एकदम ढेवा कहने लगा तुम्हें नहीं पता है। ओ नगर महोबो एक बस्ती है जहां पे राज करत परिमाल। और उनके नौकर आला उदल जिनकी विषम बजे तलवारी। सुनत खनकर महुबे को राजा फूल बम हुई जाए। और बिटिया जन्मी परमाले की मोघर टीका दो चढ़ाए। तब हंस के ढेवा बोलन लागो राजा सुन ले अर्ज हमारे। और बिटिया जन्मे ना महुबे में उन घर से रले तयोतारी। और आला को भैया छोटो उदल मोहरम बांध के आओ तलवारी। और उदल ब्याहन को हम आए राजा सुन ले अर्ज हमारी कई। और कहां पे एपन हम धर देवे हमको दीजो ठोर बताई। किसानी सूखी गई कलेजा चाट। और हुकुम फेर दम मोती मल ने मारो आज जान सरदार। और उठे सिपाही मोहरम वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और तेगा चटके पर दबान को चटके चित्त सूर मन क्यार। और कल्ला ठोको रस बेंदुल को रूपन कूद भाव सवार। और ढेवा रूपन दोनों रूरे जैसे लाई करे किसान। और धरे हरैया जब पूरब ते और पश्चिम में देवे लगाए। और धरे हरैया जब उत्तर ते दूर दक्षिण में देवे लगाए। और जितने छत्री मोहरम वाले ढेवा काट करे इधर। जैसे ढेवा रूपन मोतीमल के दरवाजे पर ये शादी का संदेश देकर लौटे हैं, इधर राजा मोतीमल के हृदय में हलचल मच गई कि जिनके घर में नाई लोग ऐसे बहादुर हैं तो वो छत्री किस तरह के होंगे। और ये बात सच है कि जिनके घर में काम वाले ऐसे हों उनके मालिक कैसे होंगे। इधर ढेबा रूपन जब डेरों में पहुंचे हैं जहां पर आला का शिविर लगा है, जाकर मोतीमल के दरवाजे का सारा हाल कहा। इधर राजा मोतीमल ने महोवे वाले जवानों से लड़ने के लिए अपनी फौज में बीरा डाल दिया तो मोतीमल के छोटे लड़के सूरज ने युद्ध करने का संकल्प किया। और फौजों को सजाकर ये बहादुर लड़का युद्ध के मैदान में उतर आया। और हुआ क्या लोगों, फौज युद्ध के मैदान में लगा दी और महोबे वालों के लिए खत लिखा। अरे सीधी सीरी सबलाज कहो तुम सूर महोबे के तपधारी।
बेबे की इच्छा जो हो तुम्हारी के हो तुम्हारी तो युद्ध किया ज करो रे तैयारी। जितने आए गढ़ महुबे से गढ़ महुबे से अब एक ही संग गहो सरदारी। लिख रही थी रे सूरज ने और डेरा न को दई थी पठाए कै और बाची पाती धड़की छाती गरजो सिरसा को सरदारी। और फिर गर्दना नाहर कैसो चितो सिरसा को मलखान और फौज साज गई सिरसा वाली पहुंचे खेतन के मैदानी। और बंदोबस्त लश्कर को करके बोलो सिरसा को रे सरदार। और कौन सो लड़का मोती मल को सो निकारे सामने आई। आगे बढ़ते सूरज बेटा लंबी जबर दई ललकार। और कौन दे सके तुम राजा हो कौन तिलक खेच दो जाई। एक करी गुल मैया चंदे लेती अच्छी जात बना फरलाल। और खाली अब हम करो मोहरम की नए घर लाख कोस हो जाई। तज के मलखे बोलन लागे सुनियो कुमर बघेले राय। और दुनिया जानत है मलखे को मैं सुअन को करूं हारी। मेरे रोम रोम चाहे गोलियां लागे बाज हाड़ हाड़ तलवार। और जोलो कंधे पे सिर रही है तोलो खेत बजे तलवारी। न डोलिया लेके फुलबा बत की और उदल को दियो गहारी। और जा मैं हीला जो कछ करियो तो कम खती लगे तुम्हारी। ए बातन बातन बतबड़ हुई गौ राठौर बातन बढ़ गई रार। और रार के ऊपर गारी दे दई गारी दे तबजी तलवार। और भुके सिपाही महुबे बाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और ये तमें फौजे हैं मुहर्रम की ये तमें महुबे के सरदार। और दैया चाल मचो दंगल में कोई काहू को न देत दिखाए। और अल्लाह तोबा करे मुसल्ला हिंदुन परो राम से काम। और कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई कोई पुरखन को चिल्लाए। और कोई कोई रोबे मृग नैनिन को आज गोनो लाए कराए। और मुख नहीं देख पाओ दुल्हन को अपनों ने दिखाओ ना। और पहले सबका मैं आए थे अब घर हुई गौ को सहजार। और जो बच जावे समर खेत ते बच ही और देश में जाए। सूरज बोले हैं मलखे ते सुनियो सिरसा के सरदार। और दुई दुई
रुपया के नौकर है, नाहक डरे हैं मूड खटाए। और हम तुम खेले रन खेतन में, देखे किन पैरा मुरसाई। जितनी मारे ती सूरज की काटी, सिरसा के सरदारी। और अनी हमारी में नहीं बचियो, सूरज सुन ले अर्ज हमारी। घोड़ी कबूतर सर गौड़ाई, नहर सिरसा के सरदारी। और मने आई गई तब मलखे के, मर्दो सुनियो अर्ज हमारी। हमारे दे सूरज को उदल दे बताए नो जाए। और अच्छे बिहा में तुमको लाए, सारे कुंडारो जान सुमारी। और माल तुनाए है आज सूरज को, कावा दे तखेत में जाए। और सूरज पिल गौ अब फौजन में, अपनी नग्न करे तलवारी। और पाऊ खड़ गए महुबे बाल, न के ले ले के भजत पिरान। और खबरे पाई ती उदल ने, बिगड़ी यानी जरे मलखान। और घोड़ा बेंदुला को सज बाऊ, रन को कंकन धरु उतारे। और जलम जलैया दिवला छैया, आई गो खेतन के मैदान। और एक बेर के धर के झपटो, लो सूरज को शीश उतारे। और कट के शीश गिरो धरनी पे, लोथ जगिरत खेत में जाए। और अनी बिछल गई मोहरम बाली, छत्री भग गए ऐप। इधर मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही मोतीमल के लड़के सूरज को मारा है, उदल ने जाकर अपने दादा मंडलीक के पैरों का स्पर्श किया, तो जवाब दिया है, दादा तुम्हारे प्यार के कारण मैंने दूल्हा बने हुए होने के बाद भी युद्ध का मैदान जीत लिया, वागे की तुम जानो। मकरंद ने जब सुना कि मेरा छोटा भैया युद्ध के मैदान में मर गया, तो भैया की धमनियों का गरम गरम लहू बल गया। तो आप लोग जानते हैं क्या, आज मैया मर गए दुख उपजत है, बबला मरत भरम हो जाए। और तिरिया मर गए घर बिगड़त हुए, भैया मरत देश छुट जाए। और सुनिया हकीकत रखे तन की, मकरन छोड़ दैया डिडकार। मेरो खास कन्हैया मैया वालो, मारो तो आज बना फरलाली। शंकर जी की आज मठिया में, मकरन दो तो हवन रचाए कै। आभा बोली महादेव की, मोती मल के राजकुमारी। सुख किया ने दिया मैं सोबत देखाए, कुतुमने दो तो जगाए। तब मकरन बोले शंकर जी ते, भूला पन्या पर तुम्हारी। खास जू भैया मैया वालो, जूझो समर भूम मैदान। हम कैसे जीते महुबे वाले, नो भोला साची दियो बताए। तब ही शंकर बोलन लागे, बेटा सुन ले अर्ज हमारी। और लड़े न जीतो तुम याल हाथ, चाहे सात साकिलो जाओ। और बेशक फुलबाऊ दल ब्यावे, बेटा पैया लगो हमारी।
हम भी सवार तो जिंदा करे बाई खेतन के मैदान और जा दिन लड़ गए इंदलिया बे तब न पर है पेश हमारे फिर बुते हमारे किए नाई है तेरे कहे दे तहे जाए कदम पिंडी लाई उखारी और सो अब फेंक दई खंदक में तुम सब सीरो देह कम धारी और हो नहार सो हमको हुई है सतक बीच श्री भगवान और फौजे सज गई मकरंदी की पहुंचे सम रखे तवे जारी को डंका मकरंदी ने अब खेतन में दौ बजाए और लाखन राना करमज बाले अग्नि बन सके बे चौहानी और कन बजे और दिल्ली बालिन ने एक संग बांध लिये तलवार और जाए घेर लो मकरंदी को छपका बजर लगी तलवार और खास मित्र उदल के लागे लव मकरंद को सी सौतारी और कट के सी सुगिरो धरनी पे जोरो हाल दिगंबर क्या और एकदम गर्जो है होदा में लव चोड़ा ने सी सौतारी और झूलक नीचे डुकरा छिपरो फिर के सीसो दाव तो लहराई और जिंदा हुए गौ जब मकरंदी फिर के जबर दई ललकारी और ताहर बेटा पिथी राज के कस के जबर दई ललकारी और एक बेर के धर के झपटो लव मकरंद को सीसो उतारी सगरो धरनी पे जोरो हाल दिगंबर क्या और दांत तले सब उंगली दाबे धर धर मकरंद से उतारी और तीन बेर जू मरो खेत में कैसे जिंदा दो बनाई और मानुस सो तो मानुस लड़िए को भूतन सो करे तलवारी खेत गिरत भैरारी और छक्का छूट गए ज्वानन के हिम्मत काम देती है नाय और पैरों खड़ गए महुबे बालिन के ले ले के भजत पिरान इत पिलो काइया मकरंद ठाकुर लंबी जबर दे तललकार और लाखन राना चोड़ा धांधू ताहर के दिलाए करवाए और तुरंत भेज दे गढ़ दरबार को सुभक्ति में दे डराए इत खबरे पर गई मंडली को के बिगड़ो दुखे तो हमारे और सिर सावारो बीर मलहारो एकदम बांध लई तलवार और मकरंदी के जाए मोहरा पे अपनी जबर दई ललकार और किन की मैया ना हर जाए किन ने बांध कनौ जीराए और तब मकरंद कहे होदा में सुन ले सिरसा के सरदार और मेरी मैया ने ना हर जाए मैं नहीं बांध कनौ जीराए हनुमान और एक बेर के धर के झपटो नाहर सिरता को मलखानी और कट के शीश गिरो धरनी पे चोरो फेर दिगंबर क्या और पेट में पानी मलके ठाकुर के हो गौ तो खेत में जारी और पांच बेर जा
शीशा को काटो ना हर बछरा जगे लारे और जो रो हाल शीश शंकर ने मर दो सुनियो यार जहमारी और पाने जीता से लसनी चर सो मकर नने लाओ दो ठारी और कस के बान लगो मलखे के धरनी गिरे तमारो खारी और मुस्का बांध लई मलखे की जब मकरंद कैद लए ते करवाही और कैद ज करके सिर सा बालू दो जेल न मैं आज डराही और एक हर काला भाजत आवे आला मंडली कयो तारी और मलखे बन गए रन खेतन में फौजे और उदियो पठवाही और ऐसी बानी तो खकिसानी सूखी गई थी कलेजा खारी और चढ़ गो जो सरोस भरियाओ गल उठो भरा राखारी और धरिदो बाना सब दूला को रन को कंकन लाओ समारी और बाज बेंदुला को सजवाओ लोहरे देश राज के लारी जहाँ पे मुरचा मकरंदी को उदल जबर दई ललकारी और कहाँ पे नाहर है मकरंदी अपनी सकल दिखावे आई तोलो मकरंद गौदल तैसे कहा तू बघेलो राई और रन को कंकन हाथ में देखो मकरंद हाल लो पहचानी ही दूला बन के आए का बहनोई लगो हमारी तब उगल बोले मकरंदी से हम बहनोई लगत तुम्हारी मकरंद सोचे मन अपने में होई तो गई गजब की बात और दूल्हा मर जाए जो खेतन में महुवे को लौटे आज बराती चोटया अपनी मकरन कर लो ना फिर स्वर्ग बैठ पछताओ और जितनी मारे मकरंदी की काटी दे सराज के लाली और एक बेर के धर के झपटो धड़ से ले गो शीश उतार और कट के शीश गिरो धरनी पे चोरो फेर दिगंबर क्यार और एकदम घर जो है होदा में उदल कोंज दई ललकार और फिर गर्दना ना हर के सोगर जो देव कुमर को लाल और दांती पीस के तेगा मारो एकदम शीश गिरत बहराए और पांच बेर जा शीश को काटो जोरो हाल दिगंबर राय पर धन धन ठाकुर यो मकरंदी तो सम सूर और कोई ना है और पान अजीता लो मकरंदी और उदल पैदो चलाई और जाए के पान लगो छाती पे उदल गिरत धरन भेराई और मकरंद सोचे मन अपने में के जाए के दिले करवाई घोड़ा बेंदुला चक्कर काटे पास नया बे बघेलो राई और डर के मारे मकरंदी ने सबरी फौजी दई लौटारी आप इधर मेरे नौजवान साथियों जैसे ही उदल बेहोश हुए हैं इधर ढेवा भागकर महोबे में पहुंचा है और वहां से जब इंदल को लेकर ये चला है इंदल जब नरवर में आए हैं तो इंदल और मकरंद का फिर संग्राम छिड़ गया तो हुआ क्या नौजवानों आज इंदल मकरंद दोनों आए गए लड़ रहे समर खेत में जाई उदल छैया दिबला बालो फिर मकरंद को दो तो मरवाई नौजवानों एक बार ही नहीं उदल और ढेबा ने पांच बार मकरंद को फिर युद्ध में मृत घोषित कर दिया
लेकिन शंकर जी ने उन्हें फिर जिंदा कर दिया और यह नाटक राम शरण जी इंदल ने देख लिया। इंदल ने क्या किया? और इंदल गरजत शंकर जी पे टुकरा दी है जाने सो मार। ए भजे दिगंबर रन खेतन ते इंदल उनके पर तपिछारी। नौजवानों इधर इंदल को युद्ध के मैदान में आता हुआ देखकर शंकर जी युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं और ढेबा और उदल इन दोनों ने मकरंद को कैद कर लिया। इंदल ने जवाब दिया, चाचा जी तुम मकरंद को कैद करके नरवर में लाओ और तब तक मैं जाकर महोबे के जितनी जवान है उन्हें कैद से वापस बाहर निकालू। इधर तो ये दोनों मकरंद को लेकर चले हैं, उधर इंदल ने रानी फुलबा के अट्टा पर जाकर क्या किया? फुलबा रानी के रे अट्टा पे इंदल चरण छुए भैराए। और हम है बेटा मंडली के चाची पन्या पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक महुबे वाले चाची हमें दियो बतलाए। और किले पिछारू चुंगिल दाहक सब फुलबा ने दो बताई। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे इंदल उस दाहक पर पहुंचा है, पहरेदारों को युद्ध में परास्त करके इसने महोबे वाले जवानों को कैद से वापस निकाल लिया, तब राजा मोतीमल से ये शर्तें तय हो गईं कि हम अब फुलबा की शादी उदल के साथ कर देंगे, लेकिन माहिल ने उसमें कपट की खटाई डाल दी। इधर तो ये लोग दरवाजा करने के लिए चले हैं, माहिल ने जवाब दिया, लड़े तुम जीत नहीं पाओगे बना भरोसे, इसलिए मोतीमल दरवाजे पर बिछौना के नीचे बारूद बिछाए दो। और लोग जैसे ही जब बराती आए ढेवा खान लगो मलिकान बैठियो मतना हड्डी को शर्मा बनो धरो। क्यों भारी सकुनिया ढेवा ठाकुर भारी उरही को सरदार। और बिछी जब बारूद है जा नीचे मलिखे मरो बिरानी मोती। और भर भर कल सा मलिखे ठाकुर और द्वारे पे रहे ते दरबाई तब मोती मलियो बोलन लागो नाहर सिरसा के सरदार। हे कुलरीत मेरे द्वारे पे के बारूद दे बिछवाई। और तापे बरायती सब बैठा रे तब हम दिए भमरिया डारी। मलखे ने जवाब दिया, ठाकुर साहब मेरी बात सुन ले, और जे रीत परमाल भूपकी हम तुम्हें साची दी है बताई। और करन बिहा को जब जावत है द्वार पे कीच देत करवाई। और माहिल पहुंचे मोती मल ते कान में दई जब बात सुनाए। और लड़े न जी तो बना फरन से चुपका दे भमरिया डारी। मोती मल ने तब आंगन में और मंडप कुदो तो गढ़वाई। और भाई लड़ाई ती मढ़े ते भामर भामर पे तलवारी। सातो भोर न तेगा बाजो मढ़े बैती खून की धारी। और डंड बांध के मकरंदी के फुलवा की सात लई डरवाई। और डोली लेके फुलबा बत की महुबे को कूच दो करवाई। और राम सरल गोने को लेके घड़ा पे मंद मंद मुस्क्याई। अजीज बाबू मित्र हमारो ढोलक मधुर मधुर चटकाई। और हीरा सिंह मधाऊ बालू रव घोरू पे ताल उड़ाई। और पहले तिवारी ने आज मजीरा मीठे मंद मंद मुस्किया। अबिला को भैया कुरावली के कैसे सुंदर रहे दरसाई।
सित मिलो दरसाई। महाराज सुनाई सब आला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। महाराज शिष्य आधार चैतन्य के खास, मेरा छोटो सो एक गांव मधीपुर है पेड़त के पास। काउदिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली। काउदिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली।